हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रेश ग्रीनरी। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? मैं आज आपको एक ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी कीमत है सिर्फ एक रुपए। जी फ्रेंड्स, एक रुपया, जो कि आपके इस अरिका पाम को एकदम हरा भरा कर देगा और इसकी ऑक्सीजन की वैल्यू भी बढ़ा देगा। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि अरिका पाम हर एक गार्डनर की पसंद है और ये पौधा आपने हर जगह देखा होगा, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, हर जगह ये पौधा आपको दिखता है, क्योंकि ये पौधा बहुत ही अच्छा है और बहुत ही खूबसूरत है और ये पौधा आपको ऑक्सीजन देता है, इंडोर आउटडोर दोनों जगह लगता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस महंगाई भरी दुनिया में जहां पर एक रुपए में कुछ भी नहीं मिलता, तो मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइजर बताने वाला हूं जिसको अगर आप इसको अंदर इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके अंदर बहुत बेहतरीन फायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिए अंत तक हमारे साथ उस फर्टिलाइजर को जानने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं पहले इसकी प्रूनिंग कर रहा हूं इस पौधे की। ये देखिए, कटाई छटाई तो वैसे भी पौधे के लिए बहुत अच्छी होती है, तो हम पहले इसकी प्रूनिंग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे होंगे मेरी थोड़ा सा इतनी ज्यादा ग्रीन पत्तियां नहीं है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक तो जो ये पौधा है बहुत बड़ा हो चुका है और दूसरा जो है ना, ये पौधा जो है रूट बॉन्ड हो चुका है मेरा। और मेरा जो ये पौधा है ना, पहले हमारी जो है पीछे बैक साइड में आप देख रहे होंगे, ये देखिये दीवार थी, तो ये सेमी शेड में पौधा रखने वाला है, तो सेमी शेड इसके ऊपर हल्की हल्की धूप आती थी, मगर अब क्या इसके ऊपर डायरेक्ट धूप आ रही है, इसलिए थोड़ा सा पौधा आपको इसकी जो पत्तियां आपको पीली नजर आ गई होंगी। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ फर्टिलाइजर जो मैंने आपको वीडियो की शुरू में बताया था कि हम इसके अंदर डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, गौर से देख लीजिए, ये है सेंधा नमक रॉक सॉल्ट, जिसको हम लोग खुद भी खाते हैं और हमारे इस पौधे के लिए ये बहुत ही बढ़िया चीज है। तो फ्रेंड्स, ये क्यों अच्छा है मैं आपको बता देता हूँ। देखिये फ्रेंड्स, आपने देखा होगा नारियल का पौधा कहाँ पर होता है, आपने देखा होगा कोस्टल रीजन में, जहां पर पानी जो होता है खारा होता है, नमक का पानी होता है। आपको पता है कि नमक वैसे हमारे पौधों के लिए अच्छा नहीं होता, मगर ये जो पौधा है अरिका पाम जो है वो भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है। वो क्या है, नारियल का पौधा है, बिल्कुल सीधा जाता है डंडे की तरह और ऊपर जाके फ्रूट देता है, मगर आप उसकी पत्तियां देखिए और इसकी पत्तियां देखिए, सेम है, ये है उसी फैमिली का ही प्लांट है। तो हम अगर इसका फर्टिलाइजर इसके पौधे के लिए, इस प्लांट के अंदर अगर हम इसका फर्टिलाइजर देंगे तो इसको बहुत बेहतरीन इसको फायदा होगा। अब डालना आपको 3 से 4 महीने के गैप में, मैं आपको बताता हूँ इसका डोज आपको कैसे बनाना। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने इसको मिक्सी के अंदर पीस लिया है और आपको इसकी डोज कैसे बनानी है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको ज्यादा नहीं लेना, सिर्फ 3 से 4 ग्राम आपको ये नमक लेना है और इसको डालना भी आपको 3 से 4 महीने के गैप में। अगर आप इसको ज्यादा डालेंगे तो आपका पौधा मर भी सकता है। फ्रेंड्स, ये देखिए, सिर्फ आपको इतना ही डालना है और इसके साथ आपने अपने पानी मिक्स करके, ये देखिए आप, और इसके आप इसकी जड़ों की साइड में, गमले की साइड में आप डाल देंगे तो इसको बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर मिल जाएगा और ये पौधा आपका हमेशा हरा भरा रहेगा। ये देखिए, आप इस तरह से इसको मिक्स कर दें एक बार। मिक्स करने के बाद आप इसको इसकी साइडों में, गमले की साइडों में आप इसको डाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इसको एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर मिलता रहेगा और ये पौधा आपका बहुत बढ़िया चलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नीचे एक बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर ऑल पे डाल दीजिए, जिससे जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।